अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वेलकम। आज हम बहुत ही मज़े की इंस्टेंट एप्पल की बनाने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि रबी अव्वल की आमद आमद है और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है। तो ये हम लोगों ने एक अदद एप्पल लिया था, उसे पील किया और उसके बाद इसको ग्रेट कर रहे हैं। खुशियों भरा महीना है और लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हमारे प्यारे नबी पर, जिनके सदके ये कायनात बनी है। ये बहुत ही यमी और इंस्टेंट एप्पल हेल्दी खीर है। आप अपने बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए बना सकते हैं। बहुत शौक से सीरी लैग की जगह ये खाएंगे। यहाँ पे हमने एक अदद सेब लिया था, जिसको पील किया, ग्रेट किया और अब हमने इसे पैन लिया है और पैन के अंदर हम लोगों ने सेब का ग्रेट किया हुआ यानी कद्दूकस किया हुआ सेब हम लोगों ने डाल दिया है। यहाँ पे डालेंगे और थोड़ा इसका जूस जो है वो ड्राई होने का वेट करेंगे। जैसे इसका पानी थोड़ा सा ड्राई होगा, जूस इसका ड्राई होगा, तो हमें इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे। अभी चीनी के साथ भी हम लोगों ने इसको पकाना है। यहाँ पे 3 अदद जो चम्मच है, 3 टेबल स्पून हम शुगर ऐड कर रहे हैं, ताकि सेब के अंदर भी अच्छे तरीके से मिठास मिक्स हो जाए और पानी भी जाहिर है इसके अंदर होता है, यानी कि जूस होता है एप्पल के अंदर, चीनी भी अपना पानी छोड़ती है। तो आपने इसको तब तक तकरीबन 5 से 6 मिनट आपने पकाना है, तब तक कि इसका पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए और तमाम प्रोसीजर जो है आपने लो फ्लेम के ऊपर डन करना। देखिए इसका पानी, इसने चीनी में छोड़ दिया है और अभी भी है, तो इसका हम ड्राई होने का वेट करेंगे। और वेट जैसे ही ये ड्राई होगा तो इसकी फॉर्म कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा और ये जाहिर है हमने ऑयल इसमें नहीं डाला, तो आपको थोड़ा सा चिपचिपाहट से फील होना शुरू हो जाएगी कि ड्राई हो रहा है पानी। देखिए इसका कलर भी चेंज होता जा रहा है और पैन की जो है पोजीशन भी आपको चेंज नज़र आ रही होगी। तो इस लम्हे में हम इसको निकाल लेंगे और कम्प्लीटली कूल डाउन होने देंगे, एक साइड पे रख लेंगे। अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है तो आप इसको फ्रिज में भी थोड़ी देर रख सकते हैं, ताकि अच्छे तरीके से जो है आपका एप्पल वो ठंडा हो जाए। अगर आप गरम गरम डालेंगे एप्पल को दूध के अंदर, तो आपका दूध फट जाएगा। यहाँ पे हमने पैन लिया और इसके अंदर मैंने 2 कप दूध शामिल किए हैं। फुल क्रीम, फुल फैट, आप समझ लें कि दूध है, ठीक है। अगर आपके पास फुल फैट या फुल क्रीम दूध नहीं अवेलेबल, तो आप घर वाला भी दूध इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और ये है कि उसके अंदर आप थोड़ी सी क्रीम ऐड करते हैं, कंडेंस मिल्क ऐड करते हैं, तो आपका वो बहुत ज़बरदस्त उसका भी जो टेक्सचर है आ जाएगा। ये देखिए अब हम दूध को जोश आने तक और वेट करेंगे कि एक अच्छा सा जोश आ जाए इसके अंदर। और उसके बाद हम लोगों ने चावल जो है वो ग्राइंड किए हुए हों या क्रश किए हों, ब्लेंड किए हों आपने 2 टेबल स्पून, ठीक है, वो उसको हम शामिल कर देंगे और तकरीबन 2 से 3 मिनट पर और मज़ीद इसको पकाएंगे, ताकि जो है चावल हमारे नीचे चिपके नहीं और अच्छे से पकने का प्रोसेस उसका स्टार्ट हो सके। जैसे ही वो गलना शुरू हो जाएंगे, गल जाएंगे, हाफ डन हो जाएंगे, तो आप इसके अंदर एप्पल वाला जो है हम लोगों ने कुक किया हुआ एप्पल वो उसके अंदर फिर हम शामिल करेंगे। ये हमने फुल ठंडा किया हुआ था, फुल ठंडा कुक एप्पल आपने डालना है। अगर आपने
गर्म गर्म डाल दिया तो पूरा कप फट जाएगा। इस बात को जहन में जरूर रखिएगा। अब इसके अंदर हम इसको अच्छे से शामिल करेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स कर रहे हैं हम लोग एप्पल को। यहाँ पर जब अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा तो आप जो है इसमें अगला पॉइंट स्टेप फॉलो कीजिएगा। ये क्योंकि कुक हुआ है एप्पल, कुछ लोग इसके अंदर अवियर्स डालते हैं, कस्टर्ड वगैरह भी डाल लेते हैं। इट्स टोटली ऑप्शनल होता है, अगर कोई लाइक करता है तो ऐड करता है। लेकिन एप्पल की जो खीर है वो वैसे भी बहुत यम्मी बन जाती है, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। आपके बच्चे स्पेशली बहुत शौक से खाएंगे। हेल्दी खीर है, दूध भी है, एप्पल भी है और शुगर कम से कम है इसके अंदर, राइस भी है। तो हर तरह की जो है आपको मिनरल्स और विटामिन्स आपको इसी खीर के अंदर मिल जाते हैं और ये बहुत झटपट से बन जाती है घर के अंदर। अगर कोई मेहमान आ जाता है आपका तो आप फौरन से एक से पकड़ें, दो कप दूध लें और खीर झटपट से बना के उसके सामने रखें। एप्पल खीर अपन लो फ्लेम के अंदर बनानी है और अगर आपने एक बाउल जितनी बनानी है तो बट तो कोई इशू ही नहीं है। बट तो समझ लें 15 मिनट आपके लगेंगे और आपकी खीर कुक हो जाएगी। यहाँ पे हम पिस्ता और बादाम जो हमने काटे हुए थे वो 2 टेबल स्पून के करीब हम लोग शामिल कर रहे हैं ताकि एक मिनट ये भी अच्छे से कुक हो जाए इसके अंदर। और जैसे ये थोड़ी सी और थिक फॉर्म में आएगी तो हम लोग इसको डिश आउट कर देते हैं। और ये देखिए कितना प्यारा डिश आउट हुआ है। और अगर ये इस टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसको कैसे डिश आउट करना चाहते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अपना बहुत ख्याल रखिए।